सो बेसिकली ये लेक्चर वन है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का। सो इसमें हम बेसिकली समझेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर है क्या, और टिपिकली हम 8051 को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ डेटा साइज। माइक्रो कंट्रोलर में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या माइक्रो प्रोसेसर, जो भी डिजिटल टेक्निक्स हैं, उन सारी डिजिटल टेक्निक में जो हम यूनिट यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो बिट इज इक्वल टू 0 और 1। 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। बाइट 8 बिट्स को मिला दें अगर तो एक बाइट हो जाती है। तो यहाँ पर ये 8 अलग अलग बिट्स हैं। 0 1 बिट है, 1 1 बिट है, 0 1 बिट है, 1 1 बिट है, 0 1 बिट है, 1 1 बिट है, 0 1 बिट है और 1 1 बिट है। और ये सारी मिला दें तो ये टोटल हो जाती है हमारी 8 बिट्स। सो ये 8 बिट्स हो गई। सो इन 8 बिट्स को मिला दें तो ये एक बाइट कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि निबल क्या है। सो जैसे 8 बिट्स को मिला दें, 8 बिट्स को मिला दें तो हमें एक बाइट प्राप्त होती है, वैसे निबल 4 बिट्स को मिला दें तो हम उसको निबल कहते हैं, वर्ड। सो अगर हम 2 बाइट्स को मिला दें, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, तो 16 बिट्स को अगर हम मिला दें तो वो वर्ड कहलाता है। सो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। सो नाउ 1 किलोबाइट। सो 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट। सो बी, कैपिटल बी इज फॉर बाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2 to the power 10 bytes। सो 2 to the power 10 कितना हुआ? 2 into 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 2। सो इट विल बी 2 into 2 इज इक्वल टू 4। 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 128, 256 into 2 is equal to 512 into 2 is equal to 1024। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 bytes। तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। यूजली हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो डेली लाइफ में हम 1 किलोग्राम बराबर क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम। कुछ भी किलो में है तो उसको हम 1000 इक्वल टू समथिंग मानते हैं। यहाँ पर जो वो 1000 है वो यहाँ पे 1024 है डिजिटल की भाषा में, अगर याद रखने के लिए करना है तो। फिर 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। सो ये हो जाएगा 1024, और किलोबाइट को हम लिख सकते हैं 1024 बाइट्स। ये टोटल हो जाएगा 2 to the power, ये 2 to the power 10 और इंटू 2 to the power 10 bytes। सो ये हो जाएगा 2 to the power 20 bytes। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्टली। फिर 1 गीगाबाइट क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024
मेगाबाइट। इसको हम लिख सकते हैं 1024 × 1024 किलोबाइट। किलोबाइट की जगह आप लिख सकते हैं 1024 × 1024 बाइट्स। ये हो जाएगा 2 to the power 10 × 2 to the power 10 × 2 to the power 10। ये हो जाएगा 2 to the power 30। तो 2 to the power 30 bytes। सिमिलरली 1 terabyte, तो 1 terabyte इज इक्वल टू 1 terabyte इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। देन अगेन वी कैन कन्वर्ट इट टू गीगाबाइट, को हम लोग बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 × 2 की पावर 30 बाइट्स। तो ये हो जाएगा 2 to the power 40 bytes। तो बेसिकली ये बेसिक हमारी यूनिट्स हैं जो हमें हर जगह पे काम आएंगी। जैसे अभी हम हार्ड डिस्क खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हमको बताया जाता है कि इसमें रैम जो है वो 4 GB है, 8 GB है, जीबी मीन्स गीगाबाइट है। और हार्ड डिस्क वगैरह खरीदते हैं तो हमको बताया जाता है कि 2 TB हार्ड डिस्क है, 3 TB है, टीबी मीन्स टेराबाइट। सो डिजिटल की भाषा में हमें इसका बहुत काम पड़ेगा। सो ये आपको याद होनी चाहिए। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज इनसाइड कंप्यूटर, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत नियम क्या है, कंप्यूटर है क्या बेसिकली। सो कंप्यूटर अगर हम देखें, सो हमें एक मॉनिटर दिखता है, माउस है, कीबोर्ड है और सीपीयू बॉक्स दिखता है। ये इतनी चीजें हमको इसमें नजर आती हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली जैसे इंसान है वैसे ही इंसान ने कंप्यूटर को डिजाइन किया है। तो जो ये सीपीयू है, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो सीपीयू बॉक्स है उसके अंदर सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली, जैसे हमारा ब्रेन है वो पूरी बॉडी को, पूरे पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे करना है, पूरा डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू इज द सेंटर ऑफ ऑल द प्रोसेसिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो सीपीयू क्या करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। तो ये सीपीयू बॉक्स है। अब हम क्या करते हैं कि हम इनपुट कहाँ से लेते हैं, हम सारी जानकारियां जो भी हमें चाहिए तो हम कहाँ से लेते हैं। तो आंख से कोई चीज देखते हैं, तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हमें आंख से देख करके मिलती है या कान से सुन करके मिलती है। तो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन शरीर में इनपुट कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, और फिर जो कुछ भी है वो हम आउटपुट में बाहर कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, अपने मुंह से बोल के करते हैं या अपने हाथ पैर के रिएक्शन से, आंखों के रिएक्शन से, अल्टीमेटली वो आउटपुट है। वैसे ही कंप्यूटर में जो मॉनिटर है हमारा वो क्या है, आउटपुट है, उस पर आउटपुट दिखता है। और कीबोर्ड जो है वो इनपुट है, उस पर इनपुट दिखता है। तो इनपुट हम लेते हैं, जैसे हम अपनी आंखों से, कान से इनपुट लेते हैं, वैसे कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट लेता है। कीबोर्ड से यूजर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन है,
और मॉनिटर पे वो देखता है कि कंप्यूटर ने क्या प्रोसेस किया है और क्या रिजल्ट है। इस सीपीयू बॉक्स के अंदर होता क्या क्या है, क्या चीजें होती हैं सीपीयू बॉक्स के अंदर? तो सीपीयू बॉक्स के अंदर मेनली आपको ये चार चीजें दिखेंगी, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रोम और रैम। इन सब का काम क्या है? बेसिकली क्या है कि जैसे इंसान है वैसे ही कंप्यूटर भी है। सीपीयू क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लेता है। रोम क्या करता है? रोम जो है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क मतलब एक एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। रोम में इनिशियल स्टार्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदोगे तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले सीपीयू इंफॉर्मेशन लेगा रोम से। पहले रोम और रैम में देखेगा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन हो तो वहां से इंफॉर्मेशन लेगा और प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंप्यूटर बना के देती है, जो कंप्यूटर बना के आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट में लाती है, आपको प्रोवाइड कराती है। रोम में एक, रोम मींस रीड ओनली मेमोरी मींस जिसको केवल रीड किया जा सके, जिससे डेटा केवल पढ़ा जा सके, लिया जा सके, लेकिन इसमें डेटा लिखा ना जा सके, मेमोरी में डेटा को राइट ना किया जा सके। रैम जिसमें डेटा हम ले भी सकते हैं, इससे डेटा पढ़ भी सकते हैं और इसमें डेटा लिख भी सकते हैं। ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में इनिशियल स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम्स मीन्स कि कंप्यूटर आपने खरीदा, कंप्यूटर को प्रोग्राम्स मीन्स कि वो कंप्यूटर को बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो इनिशियली इनिशियल स्टार्टअप प्रोग्राम जो है वो रोम में होते हैं। रोम जब भी आपका कंप्यूटर आप पावर ऑन करोगे तो आपको रोम से इंफॉर्मेशन लेकर के आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसपे कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम्स दिखेंगे आपको, जो बताएंगे कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे कैसे आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है या लिनक्स इंस्टॉल करना है, या मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फर्दर कंप्यूटर काम करेगा। बेसिक जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स है, बेसिक फंक्शनिंग है, वो रोम में होती है। कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है कि आप कीबोर्ड से इसमें कुछ इनपुट दोगे और सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में दे करके आपको मॉनिटर पे दिखा देगा। यही काम है इसका। अभी आपने, जब आप रोम से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपको इस तरीके की एक ब्लैक स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ, ये सब स्टार्टअप प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप प्रोग्राम आपको दिखेगा अपने मॉनिटर पर। ये आपको आगे के ऑप्शंस देता है कि आगे आपको क्या करना है, आगे कैसे कंप्यूटर काम करना है, इसमें क्या क्या आपको चाहिए, आप कैसे क्या क्या करवा सकते हो। एक बेसिक स्टार्टअप प्रोग्राम इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी डाल के देती है। उसके बाद फिर इतने से तो आपका काम बनता नहीं है, क्योंकि तो आपको फर्दर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और भी चीजें उसमें करनी है। उसके लिए आप इस स्टार्टअप प्रोग्राम का सहारा लेके आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स लिखे हो। सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेटिंग इंटरफेस होता है, कि कंप्यूटर की अपनी भाषा है, कंप्यूटर अपनी भाषा में बात करता है और यूजर किसी भी भाषा का हो सकता है, किसी भाषा में बात कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बात करता है। तो अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं और आपको कैसे समझ में आए कंप्यूटर क्या कह रहा है,
कंप्यूटर को प्रयोग करने का तरीका अलग है, आपका प्रयोग करने का तरीका अलग है। सो आप दोनों के बीच में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो आपके और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी करवाना चाहते हो, वो कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बता करके समझा देता है कि आपको क्या करना है। और इसके अलावा भी जो आपको जो भी नीड्स हैं, आपको एक कंप्यूटर से बहुत से काम कराने हैं, आपको एक वीडियो प्ले करना है, ऑडियो प्ले करना है, आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करनी है, इंटरनेट चलाना है, आपको ढेर सारे काम करने हैं, उन सब के लिए अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे प्रोग्राम चाहिए जो कंप्यूटर को बता सकें कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। सो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार आप इंस्टॉल करने के बाद, फिर जो उसको सपोर्टिंग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करके जिसको हम एप्स बोलते हैं। अभी हमने जो स्टार्टअप है वो रोम से स्टार्टअप प्रोग्राम सीपीयू ने लिया और उसको प्रोसेस किया, और मॉनिटर हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर जब इस तरीके का दिखेगा, इसी प्रोग्राम की सहायता से हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करेंगे? रोम बहुत कम जगह होती है, तो रोम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्दर जो एप्स हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रोम यूजली बहुत छोटा सा स्टोरेज होता है। बाद में जब आप ग्रो करेंगे तो रोम वैसे भी रीड ऑनली मेमोरी है, आप उसमें राइट कर ही नहीं सकते। वो मैन्युफैक्चरर ने जो एक बार प्रोग्राम दे दिया है उसमें लिख करके, वो आप हमेशा रीड करोगे। सो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करेंगे। सो हम इस हार्ड डिस्क में जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सो हमारी जो सीपीयू है वो हार्ड डिस्क के इनपुट लेती है, हार्ड डिस्क में रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। सो हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, अब उससे इंफॉर्मेशन ले करके, और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेगी और देगी, वैसे ही हमारी स्क्रीन में, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। तो वो इसी वजह से है। अब आप इस स्क्रीन पे आप जो भी काम करना है, जो भी अब आपके कंप्यूटर पे जो भी ऑपरेशंस होंगे, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप प्रोसेस करेंगे। सो अगर ह्यूमन बीइंग की भाषा में कहें, तो जब ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, तो वो उसको भगवान एक मिनिमम उसमें प्रोग्राम डाल के भेजता है, जिसमें उसको रोम का जो स्टार्टअप प्रोग्राम से, जिसमें वो बेसिक्स तो पता होते हैं उसको, बच्चे को रोना पता होता है, बच्चे को हंसना पता होता है, बच्चे को खाना पता होता है, जो बेसिक नीड्स हैं बेसिक स्टार्टअप प्रोग्राम से वो बच्चे को पता होते हैं। फिर उसके बाद जब भगवान उसको लाइफ देता है, तो जिसको हम बोलते हैं सोल, आत्मा, कि हाउ ही विल वर्क, उसका नेचर कैसा होगा, कैसे काम करेगा, वो कैसा दिखेगा, उसका वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सोल है, वो जो मन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, उस ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पड़ गया, तो उससे पता चल जाएगा कि किस टाइप का आदमी है। तो वो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया उसके अंदर, उसके बाद वो दुनिया में आता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, और अपनी जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन लेता है बाहर से, और उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपनी मन में इंस्टॉल करता है, वो सारी चीजें सीखता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, और वो सारी चीजें जो वो सीखता जाता है, जो भी एप्स वो इंस्टॉल करता है, वो सारे मिल करके फाइनल एक प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा कंप्यूटर उसी दिशा में बढ़ता जाता है, वैसे ही जैसे एक बच्चा है वो टेक्निकल लाइन में जाएगा, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होगी, तो फाइनली वो डेवलप होगा एज ए टेक्निकल पर्सन। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो एज ए स्पोर्ट पर्सन वो ग्रो होगा। तो ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि बेसिक हमने बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ गया, उसके बाद जो भी जरूरत है, जिस क्षेत्र में हम काम करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, उस तरह के एप्स और सारी चीजें हम इसमें इंस्टॉल करते जाते हैं। बेसिकली जैसे आप एक फोन खरीदते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, तो मोबाइल फोन इनिशियली खरीदोगे तो एक बेसिक आपको उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक
ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डला हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको आप जिस चीज़ के शौकीन हो, जिस चीज़ की तरफ आप जाना चाहते हो, उस तरह के ऐप्स उसमें इंस्टॉल करोगे और वो मोबाइल फाइनली वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा और आप उसको अपडेट करते करते उस डायरेक्शन में वो मोबाइल को आप अपडेट करते रहोगे, उसमें नए नए सॉफ्टवेयर्स नए नए ऐप्स इंस्टॉल करते रहोगे। सिमिलरली जब हम आते हैं दुनिया में तो हम ब्लैंक होते हैं, फिर जिस एरिया में जाते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क में हम नए नए ऐप्स नए नए बाहर से इंफॉर्मेशंस इंस्टॉल करते रहते हैं और हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होते हैं और ग्रो होते हैं। सो ये बेसिकली एक कंप्यूटर का बेसिक है, क्योंकि जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। व्हाई माइक्रो कंट्रोलर, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर, हाउ इट फंक्शंस। सो आप क्या क्या पढ़ोगे, बेसिकली आप माइक्रो कंट्रोलर है क्या चीज और कहाँ आप पढ़ने जा रहे हो, कितना पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ोगे, ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। सो अब बेसिकली रोम रैम हार्ड डिस्क हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं कि हमें बेसिक प्रोग्राम जो स्टार्टअप प्रोग्राम सिर्फ उतने से देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हो गया रोम रैम सीपीयू। रोम उसको स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं जो सीपीयू को बताता है कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होने क्या है। रैम टेम्पररली एक्सेस है, टेम्पररली जो सीपीयू प्रोसेस करता है तो उसको टेम्पररली जो डेटा है वो रैम में वो टेम्पररली स्टोर करता है फिर इरेज कर देता है। और ये आउटपुट है मॉनिटर और कीबोर्ड इज द इनपुट, इससे कंप्यूटर इनपुट लेगा, इनपुट जाएगा सीपीयू में, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और भेजेगा आउटपुट में। ये एक जनरल आउटलाइन है, बहुत मोटी मोटी आउटलाइन है। सो अभी रोम से वो केवल रीड करेगा, कीबोर्ड से सीपीयू में इनपुट जाएगा, केवल रीड करेगा इनपुट से, मॉनिटर पे आउटपुट जाएगा, सो मॉनिटर में राइट करेगा, रैम से रीड भी करेगा और रैम में राइट भी करेगा। सो बेसिकली ये फंक्शनिंग है सीपीयू की, किसके साथ उसके क्या संबंध है, किससे वो डेटा रिसीव कर रहा है, कहाँ डेटा रिसीव भी कर रहा है, सेंड भी कर रहा है और कहाँ डेटा केवल सेंड कर रहा है। सो अभी अगर सीपीयू को कहीं डेटा कहीं से रीड करना, तो पहले उसको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उस डिवाइस की उस कंपोनेंट की लोकेशन पता होनी चाहिए। सो वो हर डिवाइस का हर कंपोनेंट का अपना लोकेशन है, जैसे रोम में पर्टिकुलर जिस जगह से उसको डेटा उठाना उसका अपना लोकेशन है, तो सीपीयू एड्रेस भेजेगा, एड्रेस से वो लोकेट करेगा कि भैया रोम में किस जगह पे डेटा है और कहाँ से हमको डेटा रीड करना है, और उसके बाद रोम से डेटा रीड कर लेगा। सिमिलरली वो अगर किसी कहीं से उसको इनपुट लेना है, सो कीबोर्ड से उसको इनपुट लेना है, तो पहले वो लोकेट करेगा कि भैया इनपुट में इनपुट का एड्रेस क्या है, एड्रेस से वो वहां पहुंचेगा और फिर वहां से रीड करेगा। सिमिलरली वो आउटपुट में उसको कहीं कुछ शो करना है, कहीं कुछ रिजल्ट दिखाना है, कहीं कुछ लिखना है, तो पहले उसका एड्रेस पता करेगा, एड्रेस से लोकेट करेगा कि कहाँ लिखना है, फिर जा करके वहां पे वो राइट करेगा। सिमिलरली कहीं पर भी उसको लिखना है या सेंड करना है डेटा, रिसीव करना है, राइट करना है, रीड करना है, तो पहले एड्रेस से उसके लोकेशन तक पहुंचेगा और फिर रीड राइट करेगा। सो बेसिकली जैसे एक पोस्टमैन है, उसको आपके यहाँ चिट्ठी पहुंचानी है तो उसको दो चीज चाहिए, एक तो चिट्ठी जिसमें डेटा है और एक एड्रेस की कहाँ पर चिट्ठी पहुंचानी है। सिमिलरली आप मोबाइल से किसी और को मैसेज करते हैं तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक जिसको मैसेज कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर, वो उसका एड्रेस है, वो उसका लोकेशन है, और दूसरा जो मैसेज आप भेज रहे हो डेटा, तो जो आप भेज रहे हो लेके वो डेटा है। सिमिलरली आप कहीं से मैसेज आपको आ रहा है तो भी आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एड्रेस कहाँ से आया है और मैसेज क्या आया है, क्या डेटा है। सो वो डेटा हो गया, सो एड्रेस एंड डेटा, सो दो चीजें आपको चाहिए, एड्रेस चाहिए और डेटा चाहिए। सो एड्रेस हम भेजेंगे एड्रेस बस की सहायता से। एड्रेस बस क्या है,
बेसिकली हम एड्रेस क्या है, एड्रेस एक डेटा होगा, एड्रेस भी एक डेटा डेटा ही होगा, कुछ लिखा होगा 0101 की भाषा में। तो हम उसको कहाँ से भेजेंगे, उसको नंबर ऑफ वायर्स पे डाल करके भेजेंगे। सो एड्रेस बस इज कलेक्शन ऑफ एड्रेस लाइंस, जो एक तार होगा, जो एक वायर होगा, उसको हम एक एड्रेस लाइन बोलेंगे, वन एड्रेस लाइन, फिर सेकेंड एड्रेस लाइन, थर्ड एड्रेस लाइन। सो इस तरीके से एड्रेस लाइंस का जो कलेक्शन है, स्ट्रिप ऑफ द एड्रेस लाइंस, स्ट्रिप ऑफ वायर्स जो है वो बस कहलाती है। सो अगर वो वायर एड्रेस को कैरी कर रहे हैं, एड्रेस का डेटा को कैरी कर रहे हैं, सो वो एड्रेस बस कहलाएगी। उसी तरीके से डेटा बस, डेटा बस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ वायर्स, कलेक्शंस, स्ट्रिप ऑफ वायर्स, ढेर सारे तार हैं, उन तारों का समूह जिसके थ्रू आप डेटा भेज रहे हो, जिस पर आप डेटा चढ़ाते हो और ट्रांसपोर्ट करते हो। सो यू आर ट्रांसपोर्टिंग योर डेटा बाई डेटा बस, यू आर ट्रांसपोर्टिंग योर एड्रेस बाई द एड्रेस बस। सो अभी हम टेक्निकल भाषा में हर जगह तो इस तरीके के हम फिगर्स नहीं बनाएंगे। सो वी हम वी विल कन्वर्ट इट इनटू ब्लॉक डायग्राम। सो बेसिकली हम इस तरीके से अगर ब्लॉक डायग्राम बना लें तो ये आउटपुट हो जाएगा जो हमारा मॉनिटर था, कीबोर्ड इनपुट है, सीपीयू है, ये सीपीयू ब्लॉक है, ये लिखा हुआ है सीपीयू, ये रोम ब्लॉक है, ये रैम के लिए ब्लॉक। तो इट इज रफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इसको। सो अभी क्या है कि हम डिफिनेशंस मैंने ऑलरेडी बता दी है, बट स्टिल अगर आप लिखा हुआ फॉर्मली कैसे लिखा जाएगा वो ये है कि सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो मेमोरी में जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, संग्रहित जानकारी है, उसको प्रोसेस करता है, निष्पादित करता है, एक्सिक्यूट करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो सीपीयू के साथ संचार करने का एक साधन है, मतलब सीपीयू के साथ हम इनपुट से डेटा लेंगे और आउटपुट में डेटा भेजेंगे। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्रामों का अस्थायी संग्रहण, कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो जाता है। रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, इसमें कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम और जानकारी होती है, जानकारी उपयोग द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती और बिजली बंद होने पर नहीं जाती है, खोती नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो मतलब क्या है, सो मतलब यह है रैम और रोम का एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। रोम क्या है, रोम इज द बेसिक मेमोरी जिससे केवल आप डेटा पढ़ सकते हैं। रैम क्या है कि सपोज आपको मैंने बोला कि आप 2 + 2 + 2 जोड़ के मुझे बताइए कि 2 और 2 और 2 तीन बार जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो आंसर आएगा 6 कि 2 2 4 + 2 6। बट आपके दिमाग ने उसको प्रोसेस कैसे किया, आपने सबसे पहले क्या किया, आपको पता चला कि हमको ये करना है कि 2 + 2 + 2 जोड़ना है। सो आपने 2 2 2 इसको स्टोर कर लिया। सो आप टेम्परली डेटा स्टोर करो कि आपको इसको लॉन्ग टर्म दसियों साल याद नहीं रखना है, आपको क्या है सॉल्व करना है, आंसर देना है और भूल जाना। सो आपने किया कि 2 लिया फिर 2 लिया फिर 2 लिया उसको स्टोर किया। दूसरा आप ये स्टोर करो कि आपको करना क्या है, ऑपरेशन क्या है। सो ऑपरेशन है कि आपको उसको जोड़ना है, मीन्स प्लस है ऑपरेशन, तो आपको प्लस ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना। आप ये दोनों चीज क्या करोगे, एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कर लोगे, तो उसको हम रैम कह रहे हैं। आप स्टोर करके फिर आप क्या करोगे, पहले 2 + 2 निकालोगे, तो 2 + 2 का आंसर आएगा 4। अब उस 4 को अगर आप भूल जाओ तो आगे आप उसमें 2 2 ऐड करके, 4 में 2 जोड़ करके आप 6 नहीं निकाल पाओगे। तो 2 + 2 जो 4 आया उसको भी आप क्या करोगे, टेम्पररली स्टोर करोगे। कहाँ स्टोर करोगे, अपने दिमाग के पास जो रैम है, जो टेम्पररी मेमोरी है, वहां पे आप स्टोर करोगे। तो आप क्या करोगे, पहले 2 + 2 करोगे और जो 4 आएगा उसको आप स्टोर करोगे वहां पे। फिर जब स्टोर हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, फिर उस 4 को फिर लोगे रैम से। तो आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो रैम से, पहले आप क्या कर रहे थे, राइट कर रहे थे। सो अब आप
चार को वहां से उठाओगे रैम से, रीड करोगे, फिर दो को उठाओगे, फिर 4 + 2 करोगे, सो प्रोसेस करोगे। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? दिमाग में। एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है? दिमाग में। और डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? डेटा स्टोर हो रहा है आपका रैम में। तो दिमाग को एक मेमोरी चाहिए, हमारे ब्रेन को एक मेमोरी चाहिए जिसमें वो अस्थायी रूप से इंफॉर्मेशन रख सके। जब वो किसी डेटा को प्रोसेस कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो उससे संबंधित जो भी डेटा है तो उसको टेम्पररली कहीं पे स्टोर कर सके, निकाल सके, वापस वहाँ लिख सके। तो उसके लिए हमको रैम की ज़रूरत है। सो कंप्यूटर में भी सीपीयू को जब वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस समय उसको एक रैम चाहिए होती। रैम में वो टेम्पररली डेटा को स्टोर करेगा, और स्टोर करके जब उसे ज़रूरत होगी डेटा वहाँ से रीड करेगा और अपने प्रोसेसिंग में यूज़ करेगा। और जब उसका काम हो जाएगा, कुछ नया काम करेगा, तो उसका डेटा उसको स्टोर करना है, तो पुराना जो डेटा है उसको इरेज करता जाएगा, नया काम है उसका डेटा आ जाएगा, और लास्ट में जब कंप्यूटर शट डाउन होगा, स्लीप होगा, कंप्यूटर जब आपका ऑफ हो जाएगा, तो वो मेमोरी से अपने आप वो डेटा रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा। सो रैम इसीलिए कहा जाता है कि रैम जो है वो कंप्यूटर द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स का अस्थायी संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होती है। कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो जाता है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मेन फंक्शनिंग ये है। तो जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि रैम जो है वो 4 GB है या 8 GB है, सो वो इसी काम के लिए है। और हार्ड डिस्क बोला जाता है कि 500 GB है या 1 TB है, 2 TB है, सो जिस कॉन्फ़िगरेशन का आप कंप्यूटर खरीदेंगे। तो सीपीयू के लिए जानकारी संसाधित करने के लिए डेटा को रैम में संग्रहित किया जाना चाहिए, या रोम जिसे प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो रोम और रैम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रोम ऐसी जानकारी प्राप्त करता है, प्रदान करता है जो निश्चित और स्थायी है, जबकि रैम ऐसी जानकारी संग्रहित करता है जो स्थायी नहीं है और समय के साथ बदलती रहती है। और सीपीयू को काम करने के लिए रैम या रोम से जानकारी मिलती है। यदि वो वहाँ नहीं है तो सीपीयू इसे हार्ड डिस्क में खोजता है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जो मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर पहले रैम और रोम से इंफॉर्मेशन देखेगा, जब उसको वहाँ नहीं मिलेगी तो रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो सब प्राइमरी मतलब उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले है, प्राथमिक है, तो सबसे पहले रोम और रैम में जाएगा, डेटा ढूंढेगा, इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, ताकि हम जो भी काम है वो कर सकें। उस काम के लिए जो भी डेटा चाहिए, उस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोसेस के लिए जो भी डेटा चाहिए, वो रैम या रोम में ढूंढेगा। रैम रोम में जब नहीं मिलेगी, तब वो जाएगा हार्ड डिस्क में ढूंढेगा। और हार्ड डिस्क क्या है? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगर हम जो ब्लॉक डायग्राम था हमारा, अगर उसको हम और मैनेज्ड तरीके से बनाएं, तो वो इस तरीके का बनेगा, जिसमें ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, मेमोरी जिसमें रैम है, रोम है। तो हमें दो बस की जरूरत थी, एड्रेस बस और डेटा बस। सो एड्रेस बस सीपीयू से एड्रेस बस कनेक्टेड है, और मेमोरी रैम और रोम में, और पेरिफेरल मॉनिटर प्रिंटर इन सब में। और दूसरा क्या चाहिए था हमें? डेटा बस चाहिए थी। सो डेटा बस ये है। सो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? सीपीयू के अंदर क्या क्या है? सो सीपीयू के अंदर बेसिकली इतनी चीजें होती हैं। ये सीपीयू के अंदर का डायग्राम है। सीपीयू मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है,
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं, टेम्परली स्टोर करते हैं, मतलब इन रजिस्टर्स का यूज करता है वो। ALU, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और फ्लैग्स, सो फ्लैग रजिस्टर भी होता है, तो वो हम सब चीज़ें ये सब आगे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को हमको पढ़ना है आगे सेपरेटली। फ्लैग के बारे में अलग से पढ़ेंगे, प्रोग्राम काउंटर के बारे में अलग से देखेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में अलग से देखेंगे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बारे में अलग से देखेंगे, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस, इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। सो इन सारी चीजों को एक चिप के अंदर कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं CPU। सो बेसिकली ये हमारा CPU है, जिसके अंदर ये चीजें हैं, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं ऑलमोस्ट, मतलब एक कच्चे कच्चे रूप में हम इसको माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। बेसिकली यही माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। सो ये एड्रेस बस है, एड्रेस बस हमेशा CPU हमेशा एड्रेस ढूंढेगा जाके, तो एड्रेस हमेशा एड्रेस बस का डायरेक्शन CPU से बाहर की तरफ होगा। कंट्रोल बस क्या होती है अभी हम बताएंगे। सो कंट्रोल बस का भी डायरेक्शन CPU से बाहर की तरफ है, और डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा बाहर से CPU रिसीव भी कर सकता है और डेटा बाहर से बाहर CPU भेज भी सकता है। तो डेटा बाहर भेजेगा तो इसलिए आउटर बाहर की तरफ डायरेक्शन है, और डेटा बाहर से अंदर भी आ सकता है उसके लिए इनपुट की तरफ डायरेक्शन है। सो ये बाई डायरेक्शनल है, दो डायरेक्शन है इसके, चाहे डेटा अंदर से बाहर जाए और चाहे डेटा बाहर से अंदर आए। सो ALU क्या है? ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो अरिथमेटिक पब्लिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU एक सर्किट है, जो अंकगणितीय कार्य करता है, जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब, और लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करता है। लॉजिक फंक्शन मतलब जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। प्रोग्राम काउंटर क्या है और इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या है? सो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर आप टाइम के साथ पढ़ेंगे। रजिस्टर्स जो अस्थायी रूप से जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है, जो CPU के अंदर होते हैं, जितने बड़े रजिस्टर्स होंगे उतना CPU अच्छा होगा, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली हमारा CPU है, माइक्रो प्रोसेसर है, तो जो अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया था और दिखाया था। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसको बनाने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो CPU को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो ढेर सारी हैं, जिसमें से इंटेल जो कंपनी है बहुत पॉपुलर है। इंटेल ने ही ज़्यादातर प्रोसेसर्स बनाए हैं, और जो पॉपुलर है, जो हम आज की डेट में इंटेल के ही प्रोसेसर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, तो उसके ऊपर एक लिखा होता है इंटेल इनसाइड। सो इंटेल इनसाइड मीन्स कि इंटेल के प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर इस लैपटॉप के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है। सो इंटेल ने सबसे पहले इंटेल 4004 बनाया था ईयर 1971 में, जिसमें से इसी तरीके से वो इवोल्यूशन होता रहा, माइक्रो प्रोसेसर अपडेट होता रहा, नई नई टेक्नोलॉजी आती रही। फिर उसने इंटेल ने 8008 बनाया 1972 में, फिर 8080 बनाया 1974 में, फिर 1976 में 8085 बनाया। सो 8085 आपको पढ़ना रहता है, सो 8085 आप मजबूरी में जान ही जाएंगे, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो 8085, फिर 8086 प्रोसेसर बना 1978 में, और उसके बाद फिर 1993 में आया पेंटियम, जो आपने बहुत सुना होगा,
पेंटियम प्रो, पेंटियम टू। पेंटियम टू मीन्स P2 कंप्यूटर बोलते थे। और उसके बाद आया, और जो P4 आपने सुना होगा, P4 वो पेंटियम 4 है। उसके बाद आपका इंटेल कोर 2 है, इंटेल एटम है, इंटेल कोर i3, i5, i7 है। तो ये बहुत पॉपुलर हुआ। सो अभी ज़्यादातर फोन, ज़्यादातर कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में i3, i5, i7, i9 यही सब आपको दिखेगा। उसके बाद इंटेल एटम प्रोसेसर आया 2012 ऑनवर्ड, फिर कोर एम 2014 ऑनवर्ड, फिर इंटेल कोर एक्स सीरीज, फिर 10th जनरेशन, 11th जनरेशन। ये आपने देखे होंगे प्रोसेसर्स, जब आप कंप्यूटर खोलोगे तो आपको प्रॉपर्टीज में दिखेगा कि कौन सा प्रोसेसर इसमें पड़ा हुआ है। और इंटेल ये 2021 में प्रोसेसर आया। तो ये इंटेल की डेवलपमेंट हिस्ट्री है, ये इंटेल ने कब कब प्रोसेसर्स रिलीज किए। सो अभी बेसिकली जो हमने बताया, अगर उसको हम कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास सीपीयू होता है, रैम है, रोम है, प्रिंटर है, डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, और एड्रेस बस से हम एड्रेस देखेंगे। फिर हमारे पास डेटा बस होगी और कंट्रोल बस होगी, तीन तरह की बस होगी। और एड्रेस बस जो है वो इस तरीके से डायरेक्शनल होगी, डेटा बस रैम के साथ डेटा जाएगा भी आएगा भी, रोम से केवल डेटा प्रोसेसर पढ़ेगा। तो रोम से डेटा ऐसे ले करके ऐसे सीपीयू के पास चला जाएगा। प्रिंटर में केवल डेटा भेजेगा, तो प्रिंटर में डेटा ऐसे जाके ऐसे, तो ये डेटा बस के माध्यम से प्रिंटर में डेटा जाएगा। डिस्क से डेटा लेगा, भेजेगा भी, हार्ड डिस्क में डेटा लिखता भी है और डेटा रीड भी करता है। मॉनिटर में केवल डेटा भेजता है, कीबोर्ड से डेटा लेता है, और ये कंट्रोल सिग्नल इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है। ये सब मैं बता चुका हूँ कि तीन बस होती हैं उसमें, तो एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस और डेटा बस का मैंने यूज बताया है, कंट्रोल बस भी मैं बताऊंगा। सो अभी बेसिकली हमारा ये कंप्यूटर का डायग्राम हो गया, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कह सकते हैं ये है। उसके बाद रैम है, रोम है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है, टाइमर है। और हम जब प्रोसेसर पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, जैसे आप के सिलेबस में होगा तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे या 8086 पढ़ेंगे। सो बेसिकली वो प्रोसेसर होगा यहाँ पर, ये वो प्रोसेसर होगा, और ये कनेक्टेड होगा रैम से, रोम से, रैम से, इनपुट आउटपुट पोर्ट से, टाइमर से। ये एक्सटर्नली इन सब से कम्युनिकेट करेगा, एक्सटर्नली इन सब से कनेक्टेड रहेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या है? ये तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है जो, अगर हम इन सारी चीजों को एक चिप के अंदर डाल दें तो वो माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। इसको अगर हम एक चिप में डाल दें तो हम इसको ही माइक्रो कंट्रोलर कहेंगे, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये बेसिकली। तो ये हमारा, यही सब, ये दोनों माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होगा, रैम होगी, रोम होगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, टाइमर होगा, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होंगे, ये सब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या अंतर है? माइक्रो प्रोसेसर सिंपली प्रोसेसर है जो रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, इन सब से एक्सटर्नली कनेक्टेड होकर के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाहर से कनेक्ट रहता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चिप है जिसके अंदर ही सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर, ये सारी चीजें उस चिप के अंदर ही होती हैं, जबकि प्रोसेसर के अंदर ये सब नहीं होता है। प्रोसेसर इनसे बाहर से अलग से कनेक्ट करके प्रोसेसर इनके साथ मिलके काम करता है। ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में।
तो ये वही चीज लिखी हुई है कि जनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर में रैम नहीं होती, रोम नहीं होती, इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होता, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है, रोम भी होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, टाइमर होता है और एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और भी कई चीजें उसमें होती हैं। अब एम्बेडेड प्रोडक्ट, तो एम्बेडेड प्रोडक्ट क्या है कि आपने माइक्रो कंट्रोलर लिया, उसमें एक प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम जो है एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाया गया है। तो एम्बेडेड प्रोडक्ट जो है वो केवल एक और एक प्रोग्राम पर ही काम करता है और वो एक पर्टिकुलर एक ही टाइप का काम बार बार करने के लिए बनाया जाता है। जबकि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डाल सकते हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस डाल सकते हो और एक ही कंप्यूटर कई तरह के काम कर सकता है। जबकि एम्बेडेड प्रोडक्ट केवल एक और एक ही कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वॉशिंग मशीन है, वो केवल कपड़े धोने के लिए उसमें प्रोग्राम है, वो केवल कपड़े धोने के लिए ही काम कर सकती है, सो वो एम्बेडेड प्रोडक्ट कहलाएगी। सो ये बेसिकली एम्बेडेड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। सो अभी माइक्रो कंट्रोलर बनाने वाली इतनी तरह की कंपनीज हैं, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है, एटमेल है, इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया था, वो भी अभी हम बताएंगे। सो बेसिकली जो रेड से हाईलाइटेड है, एटमेल ये एक कंपनी है जिसका हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए और समझ सकते हैं। और ऑर्डिनो बहुत पॉपुलर है, सो ऑर्डिनो ये आप माइक्रो कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं बेसिक लेवल पे और समझ सकते हैं। सो 8051 फैमिली को बनाने वाली बेसिकली इंटेल है, एटमेल है, तो एटमेल का 8051 आप देखेंगे, फिलिप्स है, एमडी है, ये सारी कंपनीज जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हैं लेकिन पॉपुलर और बड़ी कंपनीज यही हैं। ओरिजिनल इंटेल है, इंटेल ने ही ओरिजिनली 8051 को इंट्रोड्यूस किया था। सो इंटेल ने 8051 को 1981 में पेश किया था, इंट्रोड्यूस किया था MCS51 के नाम से। सो 8051 एक 8-बिट प्रोसेसर है, मतलब ये 8-बिट डेटा ले सकता है और 8-बिट डेटा भेज सकता है। इसका मतलब इसमें 8 डेटा लाइंस होंगी, क्योंकि 8-बिट को अलग अलग भेजने के लिए एक एक लाइन चाहिए होगी, एक एक वायर चाहिए होगा, एक एक डेटा लाइन चाहिए होगा, उन सबको मिला करके डेटा बस बनाएंगे। सो डेटा बस कितनी हो जाएगी, 8 लाइंस की डेटा बस होगी, तो डेटा बस का साइज भी 8 बिट होगा। फिर 8051 में क्या क्या है, बेसिक रैम का जो साइज है वो 128 बाइट है, जो रोम का साइज है वो 4 किलोबाइट है, दो टाइमर हैं इसके अंदर चिप के अंदर, एक सीरियल पोर्ट है, चार इनपुट आउटपुट पोर्ट है जिसमें हर एक पोर्ट 8 बिट चौड़ा है, मतलब चार इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं जिससे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक पोर्ट में 8 पिन है, तो टोटल कितने पिन हुए, चार इनपुट आउटपुट पोर्ट है तो मतलब 4 × 8 टोटल 32, टोटल 32 पिन होंगे जो इनपुट आउटपुट कनेक्ट हो सकते हैं इन 32 पिन से, इन 32 पिन से हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और 6 इंटरप्ट सोर्सेज होंगे, तो इंटरप्ट क्या है ये भी हम बाद में बताएंगे। सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में हमको बेसिकली एटमेल के लिए जो एटी लिखा हुआ है, ये मतलब एटमेल कंपनी का है, 89C51 करके माइक्रो कंट्रोलर की चिप है, जिसमें रोम का साइज है 4 किलोबाइट, रैम का साइज है 128 बाइट, ऑपरेटिंग वोल्टेज है 2.7 से 5.5 वोल्ट, इनपुट आउटपुट पिन अभी हमने बताया 32 है और दो टाइमर है, तो इतनी चीजें इसमें हैं।